हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, इन लास्ट वीडियो वी ऑलरेडी लर्न स्मॉलर एंड बिगर नंबर। एंड डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न स्मॉल टू बिग नंबर मींस असेंडिंग नंबर। स्मॉल टू बिग नंबर मींस असेंडिंग नंबर। सो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट हम सिंगल डिजिट नंबर अरेंज करेंगे स्मॉल टू बिग। सो फॉर दिस वी यूज नंबर स्केल। स्मॉल डिजिट मीन्स सिंगल डिजिट नंबर हम अरेंज करने के लिए हम नंबर स्केल का हम यूज करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस नाउ अरेंज देम स्मॉल टू बिग। नाउ सी, दिस इज नंबर स्केल 1 to 10। अभी हम जो सिंगल डिजिट नंबर है उसे हम अरेंज करेंगे। नाउ सी स्टूडेंट्स, नाउ सी द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ दिस नंबर आर, नाउ सी दिस इज 4, 3, 2, 9 and 8। सो which is smallest number? Yes, the smallest number of these numbers are, yes, 4, 3, yes. So which number is come first? Yes, 2 number is come first. So we will be write here 2. Small to big means ascending number. Okay, so which number is small? 2. And then, yes, 2 after 3, yes. 2, 3, okay, and then next number is, yes, the next number is 3 after is, yes, 3, 2, 3, and then 2, 3, and yes, 4, yes, 2, 3, 4, and next student, the next small number after 4 is, the next number after 4 is, yes, 9 or 8, yes, 8, and then last is, biggest number is 9. इस तरह से आपको small to big number arrange करने हैं, okay? Now next example, now see student, 6, 1, 5, 4 and 7, okay? So, let's see. Now, see student, the smallest number of these numbers are, number is, yes, हम number scale का use कर रहे हैं. So, which number is smallest? Yes, in this set? Yes, one number is smallest. So, we will be right here, 1. Means, आपको ascending order आपको लिखना है. So, हम जो जो number हमारे होते हैं, वो हमें क्या करें, हम क्या करेंगे? Cross करेंगे. ताकि आपको आप इजीली आप लिख सकोगे, ओके? एंड देन यस द नेक्स्ट नंबर स्मॉल आफ्टर स्मॉल नंबर आफ्टर 1 इज यस विच नंबर 5, 4, 7 यस 1 आफ्टर यस 5, 4 और 6 यस 4 सो 4 नंबर इज स्मॉलर यस सो 4 नंबर को भी हम क्या करेंगे क्रॉस करेंगे And then, yes, now the next number, small number after 4 is, yes, 6, 5 or 7, now see, 6, 5 or 7, 4 number ke baad, yes, 5 number, so 5 number ko bhi hum kya karenge, cross karenge, and next number, yes, 6 or 7, 5, 5, 6 or 7, yes, 6 number is smaller after 5 number and last number is so we will cross this number okay biggest number is 7 okay but students hum bar bar number scale ka use karenge kya nahi hum bar bar number scale ka use nahi karenge iske liye hame kya aana hai numbers aana bilkul zaruri hai okay सो डियर स्टूडेंट्स, हमें डबल डिजिट नंबर अगर हमें सॉर्ट करना है तो हम टेंस एंड वंस आइडेंटिफाई करके देख सकते हैं। नाउ सी स्टूडेंट, दिस 23, 19, 45 एंड दिस इज 69। हम बार बार नंबर स्केल का यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें टेंस एंड वंस की जो जो है उनकी वैल्यू है, उनका जो प्लेस है, उसे हम आइडेंटिफाई करके आप
स्मॉल टू बिग नंबर अरेंज कर सकते हैं। ओके, सो सी स्टूडेंट्स, ये है टेंस की प्लेस है ऑफ 23, सो एंड वंस, टेंस एंड वंस हम इस तरह से लिख सकते हैं। इससे आप बिल्कुल इजीली आप स्मॉल टू बिग नंबर अरेंज कर सकते हैं। ओके, नाउ टेंस 23, सो टेंस की प्लेस पर क्या है 2 एंड वंस की प्लेस पर क्या है 3, सो टेंस 19, 45 एंड 69। सो टेंस की प्लेस पर जो स्मॉल नंबर है, सो कौन सा है 2, 1, 4 और 5, यस विच नंबर इज कम फर्स्ट, यस 1, 2, 4 और 5, 6, यस यस 1 नंबर इज कम फर्स्ट, सो 19 नंबर इज स्मॉलर नंबर, सो वी विल बी राइट हियर 19, क्योंकि ये 1 नंबर है वो क्या है स्मॉल नंबर है टेंस की प्लेस पर। अब देखेंगे तो सभी नंबर डिफरेंट डिफरेंट है, सो आप देख सकते हैं कि 19 नंबर इज कम फर्स्ट, सो पहले हम लिखेंगे 19 नंबर, मीन्स आपको क्या करना है असेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर से आपको नंबर सीखने हैं। सो हम क्या करेंगे, ये नंबर क्रॉस कर देंगे, इससे आपको क्या होगा इजीली आप जो नंबर क्रॉस हुआ है वो आपको लिखना नहीं है, ऐसे सोचना है। ओके, सो 19, सो 19 हमने क्रॉस कर दिया, सो 1 नंबर टेंस की इस पर प्लेस पर 1 नंबर था, सो 1 के बाद यस 4, 6 और 2, यस 1 आफ्टर यस यस 2, सो आफ्टर 19 यस 23 नंबर, सो 19 एंड 23, सो ये नंबर भी हम क्या करेंगे क्रॉस करेंगे। एंड देन यस विच नंबर 6 और 4, 6 उनके बाद कौन सा नंबर आता है यस 4, सो हम लिखेंगे 45 नंबर, 19, 23, 45 एंड देन बिगेस्ट नंबर इज यस करेक्ट 69 नंबर, करेक्ट। हम इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर से हम नंबर अरेंज कर सकते हैं, मीन्स स्मॉल टू बिग। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल 36, 48, 32, 57 एंड 29, सो पहले हम लिखेंगे टेंस एंड वंस, टेंस एंड वंस हम इसकी प्लेस लिख लिखेंगे। ओके, टेंस एंड वंस, टेंस एंड वंस, दिस टेंस की प्लेस है एंड ये वंस की प्लेस है, सो टेंस एंड वंस, सो आपको देखना है कि यहाँ टेंस की प्लेस पर कौन से नंबर है 3, 4, 3, 5 एंड 2, सो विच नंबर इज कम फर्स्ट, आपकी आपको टेंस की प्लेस पर लिखना है। ओके, सो विच नंबर इज कम फर्स्ट 5, 5, यस 2 नंबर इज कम फर्स्ट, सो 29 इज स्मॉल नंबर, सो हम लिखेंगे पहले 29। ओके, सो हम इसे क्या कर देंगे क्रॉस कर देंगे। एंड देन टेंस की प्लेस पर 2 से थोड़ा बिग नंबर यस 3 एंड यहां भी 3 है, देखो 3 हियर इज 3 एंड अगेन 3, सो हम क्या करेंगे ये 3 टेंस की प्लेस पर है, तो हम क्या करेंगे इसकी तरफ हम ध्यान नहीं देंगे, हम इसकी तरफ कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, जहां डबल नंबर आया है टेंस की प्लेस पर मीन्स 3, 3, तो हम जाएंगे वंस की प्लेस पर, सो 6 नंबर इज कम फर्स्ट और 2 नंबर इज कम फर्स्ट, यस करेक्ट 2 नंबर इज कम फर्स्ट, सो 29 आफ्टर 32 नंबर, करेक्ट एंड देन 32 एंड देन 36, सो 36 हमने लिखा 29, 32, 36, सो 3 के बाद यस विच नंबर इज कम फर्स्ट यस 5 और 4, यस 3 आफ्टर यस 4, सो वी विल बी राइट हियर 48 एंड बिगेस्ट नंबर इज 50
7, करेक्ट। सो डियर स्टूडेंट, इसके लिए आपको टेंस पर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। ओके, कौन सा सबसे स्मॉल नंबर है? सो दैट इज यस, आपको यहाँ देखना है कौन सा नंबर आपको दिखता है स्मॉल, आपको यही दिखना है और आपको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर से। ओके, मीन्स अगर आपको आपको दिख रहा है कि यहाँ सेम नंबर है टेंस प्लेस पर, तो आपको टेंस प्लेस छोड़कर आपको वन स्पेस पर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, डू यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ स्मॉल टू बिग, मीन्स असेंडिंग ऑर्डर आपको समझ में आया? ओके, बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।